तुम्हारा भी ख्याल आता है। तबरेज ने कोई ऐसा फैसला कर लिया जिससे तुम्हारी दिल आजारी होगी तो बेटा मैं, मैंने पहले ही दुर्योधन के साथ बहुत जुल्म किया। उस पे हुकूक न देके बड़ी ज्यादती की उसके साथ। पता नहीं इस गुनाह के लिए मुझे मेरा मेरा अल्लाह कभी माफ करेगा या नहीं, मैं नहीं चाहता। सही फैसला किया है आप, कल ठीक ही कह रहे थे। साहिशात, इज्जत, नाम, रुतबा, ये सब कुछ छोड़ना मुमकिन ही लगता है। तबरेज आ रहा है माशाल्लाह। आ रहा है? बीमार बीवी को छोड़ के वो कैसे आ सकता? वो दुर्योधन उसके साथ है। तुम्हारा भी ख्याल आता है। तबरेज ने कोई ऐसा फैसला कर लिया जिससे तुम्हारी दिल आजारी होगी तो बेटा मैं, मैंने पहले ही दुर्योधन के साथ बहुत जुल्म किया। उस पे हुकूक न देके बड़ी ज्यादती की उसके साथ। पता नहीं इस गुनाह के लिए मुझे मेरा अल्लाह कभी माफ करेगा या नहीं, मैं नहीं चाहता। सही फैसला किया है आप, कल ठीक ही कह रहे थे। साहिशात, इज्जत, नाम, रुतबा, ये सब कुछ छोड़ना मुमकिन ही लगता है। तबरेज आ रहा है माशाल्लाह। आ रहा है? बीमार बीवी को छोड़ के वो कैसे आ सकता? वो दुर्योधन उसके साथ है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। गाइस फिलहाल तबरेज ने ये फैसला कर लिया है कि वो दुर्योधन को छोड़ देगा, और दुर्योधन कहती है वाकई आपने दुरुस्त फैसला किया है कि आप या तो उसे रख सकते हैं या मुझे। तो वो कहता है मैं तो आओ तुम्हें मैं तुम्हारे घर तुम्हें ना अपने माँ बाप के घर छोड़ा आता हूँ, तुम यहाँ नहीं रह सकती। क्योंकि संभल जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही है। दूसरी तरफ संभल का बाप भी कहता है दुर्योधन से कि मुझे अफसोस होगा अगर तबरेज तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी करे या संभल के साथ नाइंसाफ़ी करे। मैं ये नहीं चाहूँगा कि नाइंसाफ़ी मेरी बेटी के साथ हो, क्योंकि तुम भी मेरी बेटी हो, तुमने जो मेरी खिदमत की है वही मेरी शायद संभल भी इस तरह से मेरी खिदमत नहीं कर सकता। दूसरी तरफ जो है तबरेज जो अपने घर वाले फ़ोन करेगा और घर वालों को बताएगा कि मैं आ रहा हूँ, और तबरेज का बाप जो है उसकी माँ को बताएगा कि तबरेज आ रहा है और साथ साथ दुर्योधन भी है, जिस पर जूही परेशान हो जाएगी कि ये क्या हो रहा है।